सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कबड्डी स्टार को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 33 दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेइंग 11 मैच प्रेडिक्शन और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप सबको मालूम है कि दिल्ली कैपिटल्स एक अच्छी पोजिशन पे है इस बार, लेकिन हैदराबाद फिलहाल एकदम अपोजिट बॉटम पे है। तो इस वीडियो में पहले मैच डिटेल समझ लेते कहा हो रहा है मैच। तो मैच हो रहा है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई 22 सितंबर यानी आज शाम 7:30 बजे। तो वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे बता देता हूँ। प्रीव्यू, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, टॉस प्रेडिक्शन, हेड टू हेड परफॉर्मेंस यानी स्टैट्स, उसके बाद हेड टू हेड परफॉर्मेंस इन यूएई, उसके बाद पॉइंट टेबल स्टैट्स, प्लेयर बैटल्स, टॉप एनालिसिस और टॉप पिक्स, उसके बाद एनालिसिस एंड मैच प्रेडिक्शन। तो इन 10 फैक्टर्स में हम बेसिकली डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं पिच रिपोर्ट। तो यार टेम्परेचर देख लो, बहुत ही ज़्यादा हॉट 42 डिग्री का रहने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा हीट फेस करना पड़ेगा दोनों टीम्स को, सारे प्लेयर्स को बहुत ही ज़्यादा हीट फेस करना पड़ेगा और नो चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एक्सपेक्टेड इन दिस मैच। तो अब हम बात करते हैं टॉस प्रेडिक्शन। तो यार इसमें क्या हो रहा है कि जो भी टीम मतलब टॉस जीतती है बैटिंग करती है, मतलब एमएस धोनी ने तो यही किया, ऐसे बॉलिंग जीतती है, पंजाब ने भी कल यही किया था। तो मेरे हिसाब से वो जो भी टॉस जीतेगी बॉलिंग करेगी और एवरेज को इसको इस पिच में वो 165। तो टॉस मेरे हिसाब से जीतने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। अब हम बात करते हैं पॉइंट टेबल के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स यार 8 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं, 2 हारे हैं, नंबर 2 पे है, टॉप 2 में है पॉइंट टेबल, 12 पॉइंट्स इनके पास, रन रेट बहुत बढ़िया है प्लस 0.547। तो कैपिटल्स का बात था, अब हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद का। 7 मैचेस खेले हैं, 1 जीते हैं, 6 हारे हैं, बॉटम पे है, नंबर 8 पे है और एक ही मैच जीते, 2 पॉइंट्स, रन रेट बहुत ही ज़्यादा खराब है -0.623। तो अच्छा करना बहुत ज़रूरी है वरना हैदराबाद आउट हो जाएगी। अब बात करते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस। तो यार टोटल 19 मैचेस खेले दोनों टीम, जिसमें दिल्ली 8 बार जीता है और हैदराबाद की टीम 11 बार जीता है। तो इसमें हैदराबाद का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है हमें। अब बात करते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस इन यूएई, जहाँ ये लीग हो रहा है फेज 2, वहाँ पे देखो तो टोटल 3 मैचेस हुए जिसमें दिल्ली 1 बार जीता है, हैदराबाद 2 बार जीता है। तो दोनों फैक्टर देख लो, दोनों चीज़ देखोगे तो हैदराबाद दोनों चीज़ में मजबूत नज़र आ रहा है। तो थोड़ा आप अभी थोड़ा सा यकीन बनाने लग गए हैं प्रेडिक्शन पे, लेकिन हम सारी चीज़ें बात करेंगे। तो दिल्ली कैपिटल्स और एसआरएच, दिल्ली कैपिटल्स अगर आज जीत गई तो वापस टॉप में आ जाएगी, लेकिन अगर हार गई तो नंबर 2 में ही रहेगी पॉइंट टेबल में। पहले हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 के बारे में। तो ओपनिंग देख लो, कोई डाउट नहीं है किसी को, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। शिखर धवन जो फिलहाल लीडिंग रन स्कोरर है और पृथ्वी शॉ। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर, स्टीवन स्मिथ, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत कैप्टन विकेट कीपर। मैंने आपको पहले भी कह दिया है ऋषभ पंत ही कैप्टन और विकेट कीपर रहने वाला है, अय्यर की एंट्री हो गई है और स्टीव स्मिथ नंबर 3 में खेलेंगे। अब बात करते हैं लोअर ऑर्डर, तो मार्कस स्टॉइनिस और अक्षर पटेल नंबर 6 और नंबर 7 में खेलेंगे। अब बात करते हैं बॉलर्स, नंबर 8 पे रविचंद्रन अश्विन, नंबर 9 पे अमित मिश्रा, नंबर 10 पे कगिसो रबाड़ा और नंबर 11 पे आवेश खान। इसमें आपको अमित मिश्रा पे डाउट लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अमित मिश्रा को मौका मिलेगा क्योंकि एज अ स्पिन ऑप्शन एक्सपीरियंस और ये भी टॉप 5 में है रीडिंग, अगर तुम पूरा आईपीएल देख लो, और अश्विन की वापसी हुई है T20 वर्ल्ड कप में। तो अब हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेइंग 11 के बारे में। तो ओपनिंग करते हुए देखेंगे डेविड वार्नर, रिद्धिमान शाह, आशा करते हैं वार्नर को मौका मिले, वार्नर वापस अच्छा करे, रिद्धिमान शाह का एंट्री होगा। मिडिल ऑर्डर केन विलियमसन कैप्टन, मनीष पांडे और प्रियम गर्ग। प्रियम गर्ग का एंट्री हो सकता है इस मैच में, एज ए यंगस्टर बहुत बढ़िया प्लेयर है, उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा किया और हैदराबाद के लिए पहले भी कर चुके हैं। अब बात करते हैं लोअर ऑर्डर, तो नंबर 6 पे खेलेंगे अब्दुल समद और नंबर 7 पे जेसन होल्डर, दोनों यूएई पहुंच चुके हैं और अवेलेबल है आज के मैच के लिए। अब बात करते हैं बॉलर्स, तो नंबर 8 पे राशिद खान, नंबर 9 पे भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पे शहबाज नदीम और नंबर 11 पे तिरुवनाथपुरम टी नटराजन। तो शहबाज नदीम का यहाँ पे एंट्री होते हुए हमें देख सकता है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं प्लेयर बैटल्स टू वॉच आउट इन दिस मैच। तो पहला बैटल है शिखर धवन वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर कुमार और धवन पहले एक ही टीम में खेलते थे, पर धवन अब 2-3 साल से दिल्ली के साथ है, तो देखते कैसे बॉल कर पाएंगे, भुवी कैसे धवन
का क्या आंकड़ा रहेगा इनके सामने। उसके बाद है डेविड वार्नर वर्सेज आवेश खान, ये सब कॉमन बैटल्स है जो होगा और कैसे वार्नर भी मतलब फंस सकते हैं आवेश खान के खिलाफ, क्योंकि फॉर्म वार्नर का थोड़ा खराब हुआ है और वार्नर एक लेजेंड है हम सबको मालूम है। और तीसरा है ऋषभ पंत वर्सेज राशिद खान। ऋषभ पंत और राशिद खान पहले भी मतलब अंडर 19 में साथ में खेल चुके हैं, तो राशिद खान देखते किस हिसाब से इनको बॉलिंग करेंगे, दोनों अफगानिस्तान इंडिया से है पर देखते किस हिसाब से इनका रहने वाला है। नंबर चार पे है केन विलियमसन वर्सेज रविचंद्रन अश्विन, तो ये भी बहुत अच्छा है, कैप्टन उस तरफ के और आर अश्विन बहुत एक्सपीरियंस है दोनों के पास, तो ये चार बैटर्स कॉमन रहने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब हम बात करते हैं टॉपिक जिसको मैंने रखा है इस वीडियो में, तो चार टॉपिक्स में मैंने दो हैदराबाद का और दो दिल्ली का रखा है, दो मेरे हिसाब से हैदराबाद का बात करते हैं, तो डेविड वार्नर और राशिद खान को मैंने रखा है, दोनों लेजेंड्स है यार पूरे क्रिकेट के आईपीएल के। वार्नर को मैंने क्यों रखा, क्योंकि वार्नर बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है आईपीएल में, तो वार्नर अगर फॉर्म में आज आ गए, अगर वार्नर चल गए तो नहीं बच पाएगी दिल्ली, और राशिद खान की बॉलिंग गूगली से बच के खेलना होगा। और दिल्ली से मैंने दो प्लेयर लिए यार, शिखर धवन और कपिल रवाड़ा, सबको मालूम है यही दो प्लेयर थे, ऋषभ पंत अय्यर शिव स्मिथ बहुत प्लेयर के नाम था, लेकिन शिखर धवन गब्बर आज भी चल सकते हैं, बहुत चलने वाले, आशा करते धवन कंटिन्यू रखे अपना फॉर्म दिल्ली के लिए, और रवाड़ा जो सबका कबाड़ा बना सकते हैं बहुत बेहतरीन बॉलर है। तो यार ये सब तो मैच के बारे में हुआ, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए उतना दिक्कत नहीं है प्लेऑफ्स में, क्योंकि लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में जाएगी, और अगर आज का मैच दिल्ली जीत जाती है तो 14 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 में आ जाएगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और जो सीएसके है वो नंबर 2 पे आ जाएगी। लेकिन अगर प्रेडिक्शन का भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं सब बता देता हूँ, तो यार अगर ये मैच एसआरएच हार गया, मान के चलो हार गया, तो इतना मुश्किल होने वाला, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जीत चुका है, पीछे देखो राजस्थान रॉयल्स भी जीत रहा है, जीत के आया है लास्ट मैच, और केकेआर भी जीत के आई है, केकेआर ने आरसीबी को हराया और राजस्थान ने पंजाब को हराया, तो एसआरएच एक बहुत ही अच्छी टीम है, मतलब 2016 के चैंपियंस है और क्वालिफाई लास्ट ईयर भी हुए थे, और जितने साल खेले क्वालिफाई हुए ही है लगभग एक साल छोड़ के, और आशा करते हैदराबाद अच्छा करे, कमबैक करे, क्योंकि हम सब चाहते हैं एसआरएच एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, वो भी जैसा प्लेयर है इस टीम में, वार्नर जैसा लेजेंड, केन विलियमसन जैसे प्लेयर है, और नटराजन जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे है भारत के लिए, तो बहुत ही जानना इंटरेस्टिंग रहेगा, वो तो आज हमें रात को ही मालूम पड़ेगा मैच का क्या हुआ है, 11:30 बजे तक मैच खत्म हो जाएगा और हमें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कौन जीता है और कौन हारा है, और प्रेडिक्शन बहुत जल्द बताऊंगा। पहले इस मैच के बारे में और भी कुछ बता देता हूँ कि देखो कैप्टन पे जो डाउट चल रहा है ना एसआरएच का, केन विलियमसन ही रहने वाले हैं, फिक्स हो चुका है, फिक्स ही मान लो वही रहेंगे, पर वार्नर एज अ प्लेयर उतर सकते हैं, उतरेंगे, ऐसा नहीं करेगा एसआरएच की, अगर आज का मैच भी अगर हार गया और वार्नर को नहीं खिलाया तो ये बहुत बड़ा गलती होगा सनराइजर्स हैदराबाद का। और दिल्ली कैपिटल्स में श्रेयस अय्यर की एंट्री हुई है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था फेज वन में बहुत बड़ा इंजरी हुआ था इनको, तो ऑपरेशन हुआ उसके बाद सब कुछ हुआ, और फेज टू के लिए तो अवेलेबल वो पहले ही थे, उन्होंने खुद कहा कि आई विल बी अवेलेबल इन द फेज टू आईपीएल, और वो पहले सबसे पहले ही दुबई पहुंच गए थे, मतलब जब दिल्ली कैपिटल्स का प्लेयर्स आए थे उसके साथ ही वो आ गए थे, और ट्रेनिंग में बहुत अच्छी तरह शुरू कर दिया, तो श्रेयस अय्यर अगर आज अच्छा खेलते तब देखते हैं क्या होगा, और प्रेडिक्शन का भी हम बहुत जल्द बताऊंगा, और ये सभी रहने वाला है इस मैच में, कुछ खास नहीं, मतलब दिल्ली और एसआरएच, दिल्ली अगर हार गई तब ये फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर 1 में नहीं रह पाएगी दिल्ली, अगर आज का मैच जीता तब टॉप में रहेगी, नंबर 1 में आ जाएंगे, और दिल्ली लगभग 65% मान लो कन्फर्म है कि दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई होंगे, चेन्नई तो हो ही गई है अभी। अब बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन, तो मेरे हिसाब से इस मैच को सनराइजर्स हैदराबाद ही जीतेगा, जी यार ये मेरा प्रेडिक्शन है, हैदराबाद जीतेगा मेरे हिसाब से। तो यार वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।